नमस्कार दोस्तों बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस लेक्चर में नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे नंबर सीरीज़ में जो रियल एग्जाम के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वही टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे ये इसका पार्ट टू है पार्ट वन में ऑलरेडी करा चुका हूँ और मिक्स नंबर ए, मिसिंग नंबर सीरीज और हम लोग रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज को मिक्स करके पढ़ रहे हैं मतलब कोई भी इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है और साथ में उसको करने का प्रयास कर रहे हैं स्पीड बूस्टर सीरीज है इसमें सारे टॉपिक ही आप लोगों को करूंगा ऐसे एक पार्ट में या दो पार्ट के अंदर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पिछले तीन चार साल में जो अच्छे क्वेश्चन आए हुए वो मैं आपको इस सीरीज के थ्रू कराने का प्रयास करता हूँ आपके आने वाले जो एग्जाम है चाहे वो एस बी पी ओ कलर को चाहे आई बी एस आर पी ओ कलर को उनमें बहुत ही यूजफुल ये सारी चीज़ें होने वाली है स्पेशली नंबर सीरीज का जो टॉपिक है उसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसकी जानकारी पहले से होना बहुत जरूरी होता है इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको समझना नंबर सीरीज टॉपिक में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पांच मार्क्स का टॉपिक आता है कोई भी एग्जाम तो इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इसके अलावा मैंने पहले कुछ क्लासेस ली गए उन वीडियो के लिंक मैं वीडियो के में और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करवा दूंगा ताकि आप लोगों को अगर डीपली पढ़ने वहां से पढ़ सकते हो लेकिन इसका पार्ट वन जरूर से देखिएगा पार्ट वन देखेंगे तो फ्लो आपका बन जाएगा क्योंकि उसी को मैं सिक्वेंस लेके आगे बढ़ रहा हूँ वो पार्ट वन का लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा तो उनको आप जरूर से पार्ट वन को देखिएगा उसके कंटिन्यूशन में ही आपको इस लेक्चर को देखने में मजा आएगा अगर कि किसी ने नहीं देखा किसी ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ने से एक पहले इफॉर्मेशन देना चाहूँगा अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम लाइव कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्सेज मेंटरशिप प्रोग्राम प्राइम प्रोग्राम बहुत सारे कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं जिसमें हम सारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस प्रॉपर तरीके से कवर करते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन बैंक पॉइंट टू डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं यहाँ पे पेड कोर्सेज के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल फ्री रहेंगी जैसे कि आप लोगों का YouTube वीडियोस के लिंक वहाँ पे रहेंगे प्रॉपर कोर्स की तरह और वहीं पे उनकी पी भी वहीं पे मिल जाएगी आप लोगों को हर YouTube वीडियो की पी मिल जाएगी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको डाउनलोड करने हो तो वहाँ से बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे डेली क्विज डेली वॉकएप की क्विज सेलेबस अगर आपको किसी एग्जाम का देखना हो तो वो देख सकते हो इसके अलावा जो अलर्ट जो भी नए एग्जाम्स के अलर्ट्स आएंगे वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाए तो एक पूरा एक ऐसा एप्लीकेशन का पैकेज है जिसमें एक बैंक एग्जाम स्टूडेंट्स की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है आप इस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर किसी कोर्स वगैरह ज्वाइन करने में या किसी भी चीज में कोई दिक्कत आती है तो ये नीचे नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप लोग कॉन्टेट कर सकते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इंस्टॉल क्लिक करके आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं चलो तो अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं ठीक है भाई क्वेश्चन में एक इंस्ट्रक्शन होता है पहले ऐसे लिखा हुआ है हम तो सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं ये एक रॉन्ग वन आउट एस बी पी ओ में आई हुई है सीधा सीधा देखना है इसको देख के आपको क्या लग रहा है

एक सौ अट्ठाइस को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी छसो के करीब आ जाए तो लगभग पांच से कर मल्टीप्लाई करूंगा छठ तो को पांच से करूंगा तो चालीस आ जाएगा कितना बन जाएगा छ सौ चालीस बनेगा और छसो चालीस में ये कितना जुड़ रहा है ग्यारह जुड़ रहा है तो अभी तक मेरा लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है लेकिन देखेंगे बाद में क्या होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है छ सौ चालीस में ग्यारह जोड़ रहा है पीछे के वाले क्वेश्चन पे आते हैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा एक सौ के करीब आ जाए तो चार से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे चार से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक आ जाएगा एक में क्या जुड़ेगा चार यानी जुड़ेगा। चार से मल्टीप्लाई चार जुड़ गया तो इसमें भी मतलब कुछ देखते हैं अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लॉजिक बैठ है पीछे आ जाओ यहाँ देखेंगे भाई कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार जोड़ना पड़ेगा दो तीस सत्ताइस और चार इकतीस यहाँ देखेंगे भाई क्या दो से मल्टीप्लाई करेंगे

आपको देखना जिस स्टेप में लॉजिक फेल हुआ इस स्टेप में लॉजिक फेल हुआ ना प्लस गुणा चार प्लस पाँच होना चाहिए था यहाँ पे तो उसके अगला नंबर गलत होगा तो इसका जो सही नंबर होगा ये गुणा चार प्लस चार की जगह प्लस पाँच अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ एक की जगह एक आ जाता तो एक सही होता है इसका आंसर ठीक है लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है आपको तो सीधा देखना है कहाँ लॉजिक फेल हुआ है तो लेफ्ट साइड से जिस स्टेप पर लॉजिक फेल होता है उससे अगला नंबर गलत है जैसा कि पार्ट वन में मैंने इसको अच्छे से समझाया था कि ये कैसे पता करते हैं अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है ये तो डिफरेंस की सीरीज दिखाई दे रही है तो डिफरेंस निकालते हैं और तो क्या ही हो सकता है तो यहाँ देखो ये यह प्लस दो तो। फिर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है तो कोई बात नहीं माइनस पाँच फिर प्लस दस ये डिफरेंस ये डिफरेंस कुछ पता नहीं चला इनको देख के कुछ पता लगा आप लोगों को दो पाँच दस कुछ भी पता नहीं लगा मुझे तो इनको देख के तो डबल डिफरेंस निकालो फिर से डबल डिफरेंस प्लस माइनस का मतलब ध्यान मत रखा करो बस डबल डिफरेंस ही निकालना होता है ये तीन

लास्ट में क्रॉस चेक कर लेंगे कम नंबर होते हैं पे ऐसे आइडिया लगाना पड़ता है तो ठीक है ठीक है।, है।, है तो यहाँ पे प्लस सत्रह करता हूँ तो चालीस तो, तो आपका आंसर एक 140 आ रहा है लेकिन क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक में छब्बीस जोड़ूंगा तो एक आ रहा है आ रहा है इसलिए मेरा सही है आगे बढ़ते देखो भाई क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है रोन ओन आउट का क्वेश्चन है लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताई थी फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर भी कि नंबर एक बार गिरा फिर वापस नहीं गिरा फिर बढ़ता ही चला एक बार बराबर भी रह सकता है ये भी मैंने बताया था ठीक है तो नंबर एक बार गिरा फिर बराबर होके फिर बढ़ता ही चला गया तो ये सीरीज तो पक्का ही मल्टीप्लाई की है कोई झंझट नहीं है इसमें ठीक है पक्का ही ये सीरीज किसकी है मल्टीप्लाई की है

जब आप ये तीन सौ प्लस कर रहे हो तो आपके ध्यान में क्या आना चाहिए पार्ट वन में भी बहुत में आया था ये, ये तीन सौ इसका क्या है आधा है तो आधा जोड़ने की बजाय सीधा डेढ़ से गुणा ही कर दो भाई तो से गुणा है यहां फिर मैंने देखा दो सौ चालीस को दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा चार सौ अस्सी आ जाएगा उसमें एक सौ बीस जोड़ना पड़ेगा ठीक है भाई छह सौ के करीब लाने के लिए दो सौ चालीस को किससे गुणा करूं नॉर्मली दो से गुणा करना पड़ेगा उसमें एक सौ बीस जोड़ूंगा एक सौ बीस तो इसका आधा है ना

ठीक है तो लेफ्ट से जिस स्टेप में सबसे पहले गड़बड़ होती है इसमें हुई उसका अगला नंबर गलत होता है यानी कि कौन सा नंबर गलत है नौ सौ गलत है सही नंबर क्या होगा इस छह सौ को तीन से मल्टीप्लाई करूंगा तो सही नंबर कितना आ अट्ठारह सौ आ जाएगा ठीक है जी बात आ गई समझ में तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहे हैं ठीक है क्वेश्चन कुछ देखा से लग रहा है शायद पार्ट वन में ये क्वेश्चन हो चुका है लेकिन वहां पे कुछ रॉन्ग वन आउट में था या कुछ और तरीके से था तो कहीं शायद कहीं से भी क्वेश्चन लिया गया होगा तो वहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके कि किसी ने डाला होगा तो ले लिया होगा लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम लोग ठीक है कोई बात नहीं इसको इस तरीके से भी कर लेते हैं लेकिन आया है एग्जाम में था एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन क्या होते हैं जब बाहर आते हैं ना बुक्स में या फिर कहीं और भी तो थोड़े थोड़े वो बदल जाते हैं हल्के फुलके क्योंकि किसी को कुछ याद रहता है कि कहाँ मिसिंग था तो वो क्वेश्चन वैसे सही होते हैं कॉन्सेप्ट होते लेकिन हल्के फूल के बदल जाते जैसे वहाँ पे शायद कुछ और तरीके से था पार्ट वन में देख लीजिएगा आप लोग ठीक है लेकिन था ये क्वेश्चन ऐसा वैसा कुछ तो चलो अभी देखते हैं अभी हम जैसे हमारा क्वेश्चन है सामने उस हिसाब से करने का प्रयास करते हैं देखने से क्या लग रही है एक बार नंबर गिरा वो फिर बढ़ता ही चला गया वही तो मल्टीप्लाई सीरीज है सीधी सी बात है इसमें तो मैंने सीधा सीधा ही बता दिया आप लोगों को तो आपको क्या करना पड़ेगा लास्ट 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 के 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 दो के दो दो नंबर 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 तो 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 पकड़ूंगा ही में तो तो पकड़ूंगा तो से में क्वेश्चन जो पकड़ सकते हो पकड़ो ये वाला पॉइंट तो डेढ़ सौ को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तीन सौ पिछहतर गिरी बात दो से करूंगा तीन सौ फिर उसमें क्या जोड़ूंगा पिछहतर जोड़ूंगा जब मैं ये पिछहतर जोड़ रहा था मुझे पता लगा डेढ़ सौ का क्या है आधा है तो आधा जोड़ने की बजाय सीधा आधा ज्यादा से गुणा ही कर से गुणा है। पीछे तो पता लग ही करो पहले तीन से गुणा कर लो तीन सौ पचहत्तर को तो नौ सौ प्लस दो सौ पच्चीस आएगा तीन से गुणा करने पे ठीक है ग्यारह सौ पच्चीस आएगा फिर आधे से गुणा करना है ठीक है आधे से गुणा तो करना है तो देखो भाई आधे से गुणा करने पे क्या तीन सौ पिछहत्तर का आधा क्या होता है तो मैं सीधी सीधी सी बात ये ऐसे देख लेता हूँ कि ये जैसे तीन सौ पिछहतर तो साढ़े तीन सौ का आधा देख लेता हूँ पच्चीस का आधा बाद में तो साढ़े तीन सौ का आधा कितना एक सौ पिछहत्तर तो इसमें एक सौ पिछहत्तर अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा तेरह सौ हो जाएगा ये और फिर एक सौ पिछहत्तर ही जोड़ा है मैंने क्योंकि तीन सौ का आधा पिचहत्तर आगे का जो पच्चीस का आधा कितना होता है बारह पॉइंट पांच तो तेरह सौ में बारह पॉइंट पांच भी जोड़ेगा तो तेरह सौ बारह पॉइंट देखो ये कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका होता है मैंने साढ़े तीन गुना कैसे किया मैंने सबसे पहले तीन सौ पचहत्तर को तीन गुना कर लिया ग्यारह सौ पच्चीस हो गया फिर मुझे तीन सौ पचहत्तर का आधा करने में दिक्कत हो रही थी आधा जोड़ना है ना आधे से गुना करना है तो मुझे आधा करने में दिक्कत हो रही थी मैंने साढ़े तीन सौ का आधा कर लिया साढ़े तीन सौ का एक सौ पिछहत्तर तेरह सौ फिर वो पच्चीस जो बचा था उसका आधा बारह पॉइंट पांच वो मुझे पता है लास्ट में जोड़ना है सीधा आंसर ही टिक कर दूंगा क्यों ही लिखूंगा ठीक है तो किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन को तो अपने हिसाब से कर सकते हैं हाँ ये एक क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया शायद ये एक दो क्वेश्चन कहीं सोर्स में कुछ ए, मिक्स हो गया होगा तो ये क्वेश्चन पार्ट वन में करा दिए अभी मैंने ये देखते ही पता लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन पार्ट वन में मिल जाएगा आप लोगों को ठीक है तो ये क्वेश्चन पार्ट वन में करा चुका हूँ अगला क्वेश्चन भी देखो रोंग वन आउट का क्वेश्चन है तो देखते हैं देखने से क्या लग रहा है पता लग रहा है कि ये नंबर देखो बहुत दो सौ इक्यानवे से एक सौ सैंतालीस क्या ही डिवाइड करोगे पिचहत्तर उनचालीस धीरे धीरे नंबर गिर रहा है तो इसका मतलब ये डिफरेंस भी सीरीज हो सकती है निकालोगे डिफरेंस यहाँ का डिफरेंस क्या लग रहा है आप लोगों को सात माइनस एक सौ चौवालीस क्या हो रहा है माइनस हो रहा है यहाँ देखेंगे तो भाई क्या माइनस करने पे एक सौ पचहत्तर आ जाएगा बत्तीस बहत्तर माइनस करने पे आ जाएगा भाई माइनस बहत्तर उसके बाद में देखो यहाँ क्या माइनस करने पर उनचालीस आ जाएगा यहाँ आ जाएगा छत्तीस माइनस करने पे उनचालीस आ जाएगा यहाँ कितने पे बाईस आ जाएगा भाई सत्रह माइनस करने पर बाईस आ जाएगा यहाँ दस माइनस करने से बाईस आ जाएगा और उसके लास्ट में यहाँ पर कितना माइनस करने से आ जाएगा आपका 4.5 माइनस करने पे सात आ जाएगा सबको कुछ कुछ सारी चीज़ों को पैटर्न को माइनस करते जाना सारी चीज़ों को पैटर्न को देखा मैंने तो देखने से मुझे क्या आइडिया लग रहा है मुझे आइडिया लग रहा है एक का आधा बहत्तर बहत्तर का आधा छत्तीस छत्तीस का आधा यहाँ पे क्या आना चाहिए था अठारह अट्ठारह का आधा क्या आएगा फिर नौ और फिर नौ का आधा साढ़े चार तो आ रहा है तो कौन कौन सी डिफरेंस गलत है ये और ये डिफरेंस गलत है तो इन दोनों डिफरेंस के बीच का नंबर कौन सा है था भाई बाईस था तो कौन नंबर गलत हो जाएगा बाईस गलत हो जाएगा अब सही क्या आएगा उससे आपको ज्यादा लेने देना नहीं है वैसे यहाँ पे माइनस अठारह अगर आप लोग करते सत्रह की जगह एक ज्यादा माइनस करते तो यहाँ इक्कीस आ जाता ठीक है इक्कीस में से फिर नौ माइनस करते फिर अपने आप बारह सेट हो जाता तो सही जो नंबर आता वो इक्कीस आता लेकिन आपको तो गलत ही निकालना था तो सीधा हमने निकाल दिया आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है फटाफट देखते हैं देखने से क्या लग रहा है डिफरेंस का ही क्वेश्चन होगा क्योंकि थोड़े थोड़े नंबर बढ़ रहे हैं तो यहाँ का डिफरेंस मुझे नहीं पता है कम नंबर होते वहां वहाँ पे दिक्कत होती है तो थोड़ा आइडिया लगाया करो वहाँ पे ठीक है धीरे धीरे हैबिट से आ जाएगा ये दोनों डिफरेंस नहीं पता ये भी नहीं पता इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है प्लस पाँच इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है प्लस आठ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है प्लस बारह कुछ समझ में आया इसको देख के पाँच आठ बारह कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे तो तो फिर क्या करूंगा एक बार और डिफरेंस निकालूंगा और तो कोई तरीका ही नहीं है ठीक है एक बार और डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ का डिफरेंस निकला चार यहाँ का डिफरेंस निकला तीन तो इसके बाद में देखो तो यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा तो उनका भी कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही ठीक है तो वो चार ये तीन तो अंदाजा लगाएंगे तो दो और एक अब देखो ये अंदाजा है ठीक है तो इसमें क्रॉस चेक बहुत जरूरी है ठीक है ऐसे क्वेश्चन यहाँ कम नंबर आते हैं तो वहाँ पे यही एक तरीका हो सकता है अंदाजा लगा के आप लोग करो और उससे होते हैं क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पे अगर दो का डिफरेंस होता तो यहाँ पे देखो नंबर घटते ही जाएंगे दो, होता तो दो जोड़ूंगा तो कितना जाएगा? तेरह जाएगा। फिर क्रॉस चेक करने के लिए देखो तेरह में तीन जोड़ूंगा तो सोलह आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है तो ठीक है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर एर आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एकदम देखो नंबर कितना तेजी से गिर रहे अठारह सौ से दो पॉइंट पाँच चला गया डिवाइड ही हो गए तो और तो कैसे ये चमत्कार हो ही नहीं सकता डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करते हैं भाई फिर ठीक है डिवाइड में शुरू के दो नंबर पकड़ते हैं तो शुरू के दो नंबर तो मिल ही नहीं रहे बड़े नंबर ही पकड़ते हैं ना मल्टीप्लाई में लास्ट के दो नंबर पकड़ते हैं डिवाइड में शुरू के दो नंबर पकड़ते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को एकदम अच्छे से ठीक है तो शुरू के दो नंबर नहीं पकड़ पाऊंगा क्या पकड़ पाऊंगा ये पकड़ लूँगा तो कितने से डिवाइड हो रहा है भाई यहाँ चार से डिवाइड हो रहा है ये पंद्रह तीन से हो रहा है फिर ये दो से हो रहा है तो बड़ा ही सिंपल हो गया भाई चार से डिवाइड तीन से डिवाइड दो से डिवाइड तो यहाँ पाँच से डिवाइड हो रहा होगा तो यहाँ कितने से छः से डिवाइड हो रहा होगा यहाँ छह से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब तीन सौ आ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो गया तीन सौ हो गया इसमें पाँच का डिवाइड करेंगे तो साठ आ रहा है तो क्रॉस चेक भी, भी हो गया लेकिन क्रॉस चेक करना नहीं है आपको एग्जाम के अंदर एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मेरा सही आएगा ठीक है और तरीके से करना है चीज़ों को

उसके आगे क्या हो रहा है बयालीस और छ प्लस अड़तालीस हो रहा है उसके आगे क्या हो रहा है प्लस अस्सी हो रहा है और उसके आगे क्या हो रहा है एक सौ बीस प्लस एक सौ बीस इन सब को देख के कुछ आइडिया लग रहा है मुझे तो कुछ आइडिया लग नहीं रहा ठीक है इन सब डिफरेंसेस को देख के तो कोई आइडिया लग नहीं रहा तो जब डिफरेंसेस को देख के आइडिया लगता तो क्या करते हैं दुबार डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस छ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई सत्रह ठीक है इन दोनों का डिफरेंस चौबीस इन दोनों का डिफरेंस बत्तीस और इन दोनों का डिफरेंस चालीस इनको देख के वो समझ में आ रहा है बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है इसको देख के आप लोगों इसको आप को इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये चालीस बत्तीस चौबीस आठ की सीरीज चल रही है यानी कि यहाँ क्या आया होगा सोलह आया होगा यहाँ पे आठ आया होगा इन ये दोनों गलत है ये दोनों क्या है आप लोगों का गलत है इसका मतलब यहाँ पे ये यह जो चौबीस है ये सोलह ये सत्रह है यहाँ पे भी छह नहीं होना चाहिए था ठीक है इसका मतलब इनमें नीचे वाले में भी गड़बड़ होगी तो आप पता करो देखो ये बिल्कुल सही है अड़तालीस 48. तो अड़तालीस 48 चौबीस है 24 भी सही। लेकिन ये चौबीस से जब पीछे आ रहे थे सोलह का डिफरेंस होना चाहिए तो सोलह का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे सात की जगह क्या आएगा आठ आएगा अभी आठ के पीछे कितने का डिफरेंस होना चाहिए आठ का होना चाहिए तो यहाँ पे जीरो आएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए क्योंकि तो इसके और इसके बीच में आठ का डिफरेंस होना चाहिएगा तो सत्ताईस की तो तो जगह तो भी छब्बीस ही आएगा सत्ताईस की जगह भी क्या आएगा छब्बीस आएगा तो इसका सही आंसर क्या है छब्बीस हो जाएगा इस तरीके से निकाल लिया अब इस क्वेश्चन में एक चीज और बताता हूँ लोगों को मैंने आपको हमेशा बताया कि डिफरेंस की सीरीज में डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लो इस बार जब मैं एग्जाम में निकालने की बात कर रहा हूँ तो तब मैंने उन चीजों की बात नहीं की जो आपको कंफ्यूज कर दी है ज्यादा वो मैंने बेसिक वाले वीडियो में बहुत सारी दिखाई है कि उठपटांग लॉजिक के जो एग्जाम में दिख... बुक्स में दिखे होते हैं ना उन लॉजिक को आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो और वो लॉजिक निकालने की जो जैसे कहीं पे लिखा होगा एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर अगला नंबर तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर तो सपना थोड़ी आता है कि ऐसे नंबर होते हैं जैसे यहाँ पे भी कई बार बुक्स में देखोगे ना आप आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा भाई साहब ये जो एक है ना ये ग्यारह का स्क्वायर माइनस है अस्सी है ना ये नौ ये अड़तालीस सात का स्क्वायर माइनस एक है तो यहाँ ये पांच का स्क्वायर माइनस एक हो है, है तो यहाँ आपका तीन का स्क्वायर माइनस एक आठ होना चाहिए था और यहाँ पर एक का स्क्वायर माइनस एक यानी कि जीरो होना चाहिए था लेकिन ये क्या सपने में आएगा मेरे एग्जाम के अंदर मुझे पता कैसे लगेगा ये होगा पता डिफरेंस से ही लगेगा तो जिस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में उसी तरीके से करना है उठ पठान चक्रो में नहीं पढ़ना एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आप बेसिक वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए मैंने कि कैसे कैसे लॉजिक कहीं पे लिखे होते हैं या फिर जो इंटरनेट पे आपको मिलते हैं लेकिन वैसे करना नहीं होता एग्जाम एग्जाम में एक्जाम में वैसे होते नहीं है क्वेश्चन क्वेश्चन जैसे पॉसिबल एग्जाम में करना करना वैसे ही है आप लोगों को क्योंकि वहां पे जाके अपने को पता थोड़ी लगेगा कि एक का स्क्वायर को अपने पास कोई मतलब देवीय शक्ति थोड़ी हो जाएगी उससे पता लग जाएगा कि ये हो रहा था अब चलो ये तो सिंपल नंबर थे पता लग भी जाएगा बहुत सारे लोगों को देखते ही लेकिन अगर ये कर देता ग्यारह का स्क्वायर माइनस दो ठीक है ग्यारह का स्क्वायर प्लस एक ग्यारह का स्क्वायर माइनस तीन नौ का स्क्वायर माइनस तीन ऐसे कुछ भी कर देगा तो ठीक है तो इनके चक्कर में हमें ऐसे लॉजिक के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें डिफरेंस की किसी से तो डिफरेंस का डिफरेंस ही निकालना है क्योंकि इनमें कुछ भी हो सकता है ये नंबर तो चलो मान लें एक एक कम दिख रहा है सबका स्क्वायर में से तो हो सकता है आइडिया लग जाए हमें ठीक है कई बार माइनस दो कर देगा तो कितने ध्यान में रखोगे भी एक सौ इक्कीस से एक सौ बीस तो रिलेट कर लिया ग्यारह के स्क्वायर से एक सौ उन्नीस भी कर लोगे एक सौ अट्ठारह भी कर लोगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है वो तो कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है एक का स्क्वायर प्लस दो दो का स्क्वायर प्लस तीन तो कहां तक हम इन चीजों को देखेंगे ठीक है तो हमें एक बेसिक तरीका जो हम यूज कर रहे हैं उसी के ऊपर स्टिक रहना है और उसी तरीके की अगला क्वेश्चन देखते हमें क्या बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन में ये तो डिफरेंस की सीरीज लग रही है सारी की सारी और तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें बड़ा पॉइंट 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 के अंदर आ रहा है ठीक है देख के डरना नहीं है बहुत सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे क्वेश्चन जहां पॉइंट वॉइट लग जाता है ना तो इसको एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आना चाहिए अपने माइंड में ये कैसा क्वेश्चन आ गया जैसे करते हैं वैसे करते जाओ डिफरेंस की सीरीज लग रही है डिफरेंस निकालो चुपचाप ठीक है तो ये प्लस पॉइंट एक फिर से प्लस पॉइंट एक प्लस ही होता जा रहा है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं प्लस हटा लू पॉइंट एक का डिफरेंस पॉइंट एक का डिफरेंस पॉइंट तीन का डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ 1.5 का डिफरेंस और उसके बाद में कितने का आ रहा है भाई डिफरेंस ठीक है पॉइंट छः का डिफरेंस दस पॉइंट छः ही होगा ना हाँ दस पॉइंट छः का डिफरेंस इसके बाद में कितना आ रहा है अभी एक सौ बारह में से अठारह माइनस कर दें तो नाइन्टी सिक्स ठीक है और पॉइंट नौ से पॉइंट पाँच करेंगे तो पॉइंट चार तो नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर का डिफरेंस इन डिफरेंस को देख के कुछ समझ में आया मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं अभी तक ठीक है तो डिफरेंस का डिफरेंस भी निकाल सकते हो लेकिन डिफरेंस का डिफरेंस निकालने में मुझे मतलब नहीं लग रहा क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो रहा है आगे जाके तो डिफरेंस में भी कई बार मल्टीप्लाई होता है तो वो देख लेते हैं तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये जो यहां से यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ये देखो एक से मल्टीप्लाई हो रहा है ये तीन से हो रहा है फिर ये पांच से हो रहा है तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि यहां भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो या तो सात से हो रहा हो या फिर कुछ और से हो रहा हो ठीक है तो एक तो प्राइम नंबर हो सकते हैं एक तीन पांच सात फिर आगे वाला नौ से हो सकता है या फिर ग्यारह से हो सकता है तो प्राइम नंबर भी हो, दो हो तो भी भी तो 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 पंद्रह पांच बनता तो ये दस पॉइंट छह की जगह कितना बनता दस पॉइंट पांच बनता है, कोई बात है फिर ये सात की जगह आगे में नौ से मल्टीप्लाई करता है इसको ग्यारह से तो नहीं होगा क्योंकि फिर बैठेगा ही नहीं तो नौ से ही होगा तो प्राइम नंबर नहीं है नॉर्मल सीरीज है नंबर की तो नौ से मल्टीप्लाई करूंगा तो नब्बे प्लस चार पॉइंट पांच यानी कि चौरान पांच बनेगा यहाँ पे तो यानी कि मुझे जो मेरा लॉजिक बैठ रहा है उसके हिसाब से ये वाला डिफरेंस डिफरेंस ये वाला डिफरेंस गलत लग रहा है तो उसके बीच का नंबर अट्ठारह पॉइंट पांच ये गलत होगा अब इसकी जगह सही नंबर क्या होता अगर क्रॉस चेक कर लिया करो एक बार के लिए ठीक है तो अगर ये दस पॉइंट पांच होता तो यहाँ पे अट्ठारह पॉइंट चार होता सही नंबर की जगह तो एक एक आप चौरानवे हो तो क्या बताना ठीक है सॉरी यहाँ पे पॉइंट चार ही आएगा क्या ये चौरानवाइंट चार था पहले भी ठीक है चौरानवाइंट चार था सॉरी ठीक है तो अभी इसमें देखो अगर आप अट्ठारह पॉइंट चार जोड़ोगे इसके अंदर ठीक है अठारह पॉइंट चार यहाँ पे होता है अगर इसमें अगर आप चौरानवा पॉइंट पांच जोड़ते हो तो क्या ये आ रहा है एक सौ बारह पॉइंट नौ देखो हाँ एक सौ बारह पॉइंट नौ आ रहा है ठीक है समझ गए बात ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर तो पॉइंट को देख के ज्यादा घबराना नहीं है नॉर्मल तरीके जैसे क्वेश्चन होता है वैसे ही होगा यहाँ तो भी क्वेश्चन देख के पता लग रहा है डिवाइड की सीरीज है तो। लग रहा है पता आराम से तो सबसे पहले दो से डिवाइड हो रहा है हो रहा है दो से डिवाइड एक्जेक्ट वही नंबर आ गया सोचना कैसे होता है मल्टी डिवाइड की सीरीज में शुरू के दो नंबर पकड़ लिए और सोचो कि इसमें कितने का भाग दूंगी इसके आसपास आ जाए कुछ इसके आसपास का यहाँ तो दो का भाग देने से एक्जेक्टिव वही आ रहा है पता लग रहा है पच्चीस सौ बीस आ रहा है पाँच हजार चालीस पाँच हजार का आधा पच्चीस सौ चालीस का आधा तो बीस तो पच्चीस सौ बीस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा कितने का डिवाइड करना पड़ेगा लगभग तीन का डिवाइड करना पड़ेगा तीन का डिवाइड करके देखो एक्जेट आ रहा है कुछ तीन आठ सौ चौबीस तीन चौबे आठ सौ चालीस एक्जेक्टिव आ रहा है तीन का डिवाइड करने पर उसके बाद में चार का डिवाइड करेंगे चार दूनी आठ चार दो सौ दस एक्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब लॉजिक पता लग गया ये पांच से डिवाइड होगा इसका मतलब पांच सौ बीस पाँच दूनी दस बयालीस छतर छत बयालीस सात आना चाहिए था यानी कि इस आठ की जगह क्या आना चाहिए सात आना चाहिए था तो नंबर कौन सा गलत है आठ गलत है लॉजिक भी वैसे अगर देखोगे ठीक है तो आपका यहाँ पे छह से डिवाइड हो नहीं रहा है एग्जैक्टली अगर आठ लाना चाहते हो तो छह से डिवाइड थोड़ी होता है इसलिए लॉजिक इस स्टेप में फेल हुआ तो उसका अगला नंबर गलत है इसमें तो लेकिन वैसे ही पता लग गया है कौन सा नंबर गलत है बहुत सिंपल है अगला क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन देखने से कैसी सीरीज लग रही है डिफरेंस लग रही है मल्टीप्लाई की लग रही है मुझे तो क्वेश्चन देख के डिफरेंस की सीरीज लग रही है सिंपल सा डिफरेंस है से देखो एकदम पास पास में नंबर है सारे तो डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस निकाला तो ये अट्ठारह फिर अट्ठारह इसके बाद में ये कितना हो जाएगा तेरह और उसके बाद में उसके बाद में सात और उसके बाद में में नंबर को देखो ध्यान से कुछ समझ मैंने यहां तक नंबर देखा तेरह प्राइम नंबर है यहाँ पर ये सारे के सारे आगे कोई बैठ नहीं रहा कुछ तो तेरह के बाद में क्या आना चाहिए था प्राइम नंबर सत्रह और इसके बाद में क्या आना चाहिए था उन्नीस इसका मतलब दोनों नंबर गलत है तो इसके बीच का नंबर गलत है एक, एक सौ अठारह इसकी जगह सही नंबर होता तो क्या होता सही नंबर होता वो होता जिसमें इसमें और इसके बीच में कितने का सत्रह का डिफरेंस होता ये अठारह का नहीं होगी कि, कितने का डिफरेंस होता तो सत्रह का डिफरेंस होता है कि एक सौ उन्नीस होता है एक सौ उन्नीस होता और पीछे से देखो क्रॉस चेक भी कर लो सौ में उन्नीस जोड़ोगेगा ठीक है तो एक होता सही नंबर अगर हमें पता करना होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है क्वेश्चन देखने से कुछ प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है लेकिन बार बार में प्लस माइनस होते जा रहा है लेकिन नंबर्स थोड़े आस पास ही है इसलिए डिफरेंस की सीरीज लग रही है एक जगह पे यहाँ पे देखने पे लग रहा है कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन आगे देखो एकदम से सारा का सारा ही क्या है डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है तो यहाँ मैंने देखा तो यहाँ पर सबसे पहले हो रहा था माइनस माइनस कितना हुआ माइनस टू चलो जी फिर प्लस दो ओके बहुत बढ़िया उसके बाद में माइनस ओके जी उसके बाद में प्लस 130। उसके बाद में माइनस एक सौ बीस ठीक है यही हो रहा है और उसके बाद में प्लस एक सौ दस अब मुझे देखो और कुछ ज्यादा कुछ तो समझ में आ नहीं रहा मुझे समझ में ये आ, आ रहा था 110, 120, 130 तो यहां 140 आता 150 आता 160 आता लेकिन उससे तो तीन नंबर गलत हो जाते तीन नंबर का भी तीन डिफरेंस का भी गलत होते नहीं होते डबल डिफरेंस में हो सकते हैं गलत एक डिफरेंस में तीन डिफरेंस गलत की तो मैंने बात ही नहीं की गई दो डिफरेंस के तो बीच का नंबर ही गलत होता है अगर तीन डिफरेंस गलत हो जाएंगे तो बहुत सारे नंबर गलत हो जाएंगे इस सीरीज में नंबर तो एक ही गलत होना है इसलिए मेरा वो एक सौ दस एक सौ बीस एक सौ तीस बैठेगा नहीं इसमें तो मैं और कुछ देखा मैंने तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं ठीक है तो जब समझ में नहीं आता तो क्या करते डबल डिफरेंस देखें डबल डिफरेंस निकालते टाइम प्लस माइनस ध्यान में नहीं रखना है बस तो इनके बीच का डिफरेंस पचास इनके बीच का डिफरेंस चालीस इनके बीच का डिफरेंस तीस इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई दस और इसके बीच का डिफरेंस भी दस तो यहाँ मुझे बात समझ में आ गई यहाँ पचास का डिफरेंस था या चालीस का था या तीस का था इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 20 होगा यहां रहा होगा बीस का डिफरेंस रहा होगा और यहाँ दस का डिफरेंस रहा होगा ठीक है अगर यहाँ बीस का डिफरेंस रहा होगा ठीक है इसमें और इस नंबर में बीस का डिफरेंस रहा होगा तो ये नंबर ये यह जो यहाँ पे एक आ रहा है इस एक की जगह पे कौन सा नंबर गलत होगा यानी कि इसमें और इस पर जो डिफरेंस है ना वो ये दस नहीं हो गया बीस होना चाहिए ठीक है लेकिन आगे वाला बिल्कुल ठीक है दस। तो ये दोनों है। बात समझ में आप लोगों को तो ये एक डिफरेंस यहां पे गलत है। तो 250, 200, 160, 130 भी ठीक है उसके बाद में ये 20 का डिफरेंस होना चाहिए था यानी कि ये एक होता ठीक है और एक सौ में फिर ये आगे वाला 10 का डिफरेंस होता तो ये क्या होता आपका

देखो शुरू में यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं लग रहा है यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं लग रहा यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं लग रहा ठीक है नंबर तो देखो पांच से पंद्रह से चला गया लेकिन देखो मल्टीप्लाई करोगे क्या यहाँ पे जरूर मल्टीप्लाई लग रहा है एक जगह पे लेकिन फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं नहीं लग रहा तो है ओवरऑल एक आपको लेना होता है तो डिफरेंस की सीरीज है डिफरेंस की सीरीज है तो यहाँ प्लस दो प्लस नो उसके बाद में क्या हो रहा है भाई प्लस एक सौ पच्चीस है क्या प्लस एक सौ पच्चीस

मेरे को देखो और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है लेकिन मुझे समझ में आ रहा है ये भी स्क्वायर ये क्यूब है ये फिर स्क्वायर है ये फिर क्यूब है ये फिर स्क्वायर है ये देखो तीन का स्क्वायर पाँच का क्यूब सात का स्क्वायर नौ का क्यूब और ग्यारह का स्क्वायर तो ग्यारह का स्क्वायर नौ का क्यूब सात का स्क्वायर पाँच का क्यूब फिर तीन का स्क्वायर तो यहाँ पहले पहले क्या आना चाहिए था पहले ही पहले आप लोगों का किसका क्यूब आना चाहिए था एक का क्यूब आना चाहिए था

वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इन पैटर्न की जो सीरीज है वो अच्छे से आप लोग एग्जाम के अंदर भी कर पाएंगे इसके अलावा कोई नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो भी अगर आपको डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वहां से मैं देख के अपना कंटेंट प्लान करता हूं क्योंकि मुझे आपकी समस्याएं जब पता लगती है तभी मैं उनके सॉल्यूशन के ऊपर अच्छे से काम कर पाता हूं तो आपको कोई भी दिक्कत आती है इस लेक्चर के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है

आ, जो आने वाले टॉपिक है उनको लेके भी आप लोग एक्साइटेड होंगे तो जो टॉपिक की सीक्वेंस है उसको डिसाइड करने के लिए आप एक बार कमेंट कर देंगे तो मैं उसको भी डिसाइड कर पाऊंगा तो एक बार टॉपिक और समस्या जो आती है आप कमेंट कर दीजिएगा आजकल मैं इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसे स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है ना उसको अगर हम लोग नहीं समझेंगे टॉपिक वाइज तो फिर हम उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कोई समस्या आती है या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें दिक्कत आ रही है आप कमेंट करेंगे तो हम उसी हिसाब से आगे के लेक्चर्स को प्लान करेंगे आज के लिए इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद